दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय चेतन क्लिनिक। विवाहित जीवन बिताएं खुशियों के संग, पाए नई शक्ति, जोश, जवानी व उमंग। चेतन क्लिनिक के संग दरियागंज और बदरपुर नई दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूँ रूबी नेगी और वक्त हो चुका है मिड डे न्यूज का। और मिडडे की सबसे ताज़ा खबर रॉबर्ट वाड्रा को लेकर आ रही है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी के बिजनेसमैन पति रॉबर्ट वाड्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी आज तीसरे दिन भी पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि ईडी अब तक वाड्रा से करीब 14 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। और मिड्डे की अगली ताज़ा खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार सारदा चिटफंड घोटाले में सबूतों को नष्ट करने में अपनी कथित भूमिका को लेकर सीबीआई पूछताछ का सामना करने मेघालय पहुंच चुके हैं और यहां आज उनसे सीबीआई पूछताछ करेगी। और मिड्डे की अगली ताज़ा खबर केंद्र सरकार से आ रही है, जहां केंद्र सरकार स्टार्टअप फंडिंग को बढ़ावा देने के लिए खास लिस्टेड कंपनियों, संस्थापकों के रिश्तेदारों और कुछ मान्यता प्राप्त निवेशकों के अलावा एंजल इन्वेस्टरों के लिए टैक्स छूट का दायरा बढ़ाने जा रही है, और जिसके तहत इन्हें स्टार्टअप में संभवतः 50 करोड़ रुपये तक की फंडिंग करने की अनुमति दी जा सकती है। और मिड डे की अगली ताज़ा खबर शिवराज सिंह चौहान को लेकर आ रही है, जहां राफेल डील मामले में मोदी सरकार की आलोचना कर रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शायराना अंदाज में निशाना साधते हुए कहा कि सर्दी खांसी न मलेरिया हुआ, ये गया यारो, इसको राफेलरिया हुआ है। और मिड्डे की अगली ताज़ा खबर शरद पवार को लेकर आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने अपने बयान से यू टर्न लेते हुए ऐलान किया है कि वह इस बार दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र में माढ़ा संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव में उतरेंगे। और मिड्डे की अगली ताज़ा खबर केंद्र सरकार से आ रही है, जहां केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत कार्यक्रम के लिए फिट केवीएन ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से देश भर के 1199 केंद्रीय विद्यालयों के करीब 13 लाख बच्चों की फिटनेस का मूल्यांकन किया जाएगा। और मिड्डे की अगली ताज़ा खबर पी चिदम्बरम को लेकर आ रही है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने राम मंदिर और सबरीमाला मामले को लेकर बड़ा बयान देते हुए राम मंदिर को आस्था का और सबरीमाला मामले को प्रथा का मामला बताते हुए कहा कि दोनों को आपस में मिलाना नहीं चाहिए, दोनों ही अलग हैं। और मिड्डे की अगली ताज़ा खबर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को लेकर आ रही है, जहां बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पूर्वी यूपी के अपने दौरे के दौरान एक बार फिर से राम मंदिर मामले को लेकर विपक्ष को निशाना लेते हुए कहा कि प्रदेश की बीएसपी और एसपी सरकार ने जरूरी दस्तावेजों को समय पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जमा किया है। और मिड्डे की अगली ताज़ा खबर गुज्जर आंदोलन को लेकर आ रही है, जहां राजस्थान में 5% आरक्षण की मांग को लेकर अब की बार आखिरी बार के नारे के साथ गुज्जर एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने कई जगह रेलवे टैक्स को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसके बाद किसी भी अनहोनी से बचने के लिए 4 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और 7 का रूट बदल दिया गया है। और मिड डे की अगली ताज़ा खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पश्चिम बंगाल में सीबीआई और कोलकाता पुलिस में मचे सियासी तूफान के बीच अब कोलकाता पुलिस ने सीबीआई के अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव के ठिकानों पर छापेमारी की है, हालांकि कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। और मिड डे की अगली ताज़ा खबर सीबीआई से आ रही है, जहां सीबीआई के नवनियुक्त प्रमुख ऋषि कुमार शुक्ल ने एजेंसी के कर्मियों को खुश रहने की सलाह देते हुए आश्वासन दिया है कि वह उनके बकायों और प्रोन्नति से जुड़े सभी मुद्दों का समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे। और मिड्डे की अगली ताज़ा खबर जहरीली शराब से होने वाली मौतों को लेकर आ रही है, जहां यूपी के सहारनपुर और उत्तराखंड के रुड़की में जहरीली शराब के कारण अब तक 64 लोगों की मौत हो चुकी है और 120 लोगों की हालत खराब है। और मिड्डे की अगली ताज़ा खबर गुजरात से आ रही है, जहां गुजरात में 400 करोड़ के मत्स्य घोटाले मामले में एसबी की विशेष अदालत ने भाजपा नेता और गुजरात सरकार के मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है और भाजपा नेता को वारंट रद्द कराने के लिए 2 मार्च को कोर्ट में पेश होना होगा। और मिड्डे की अगली ताज़ा खबर आम आदमी पार्टी से है, जहां राफेल पर मची रार के बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राफेल मामले में सीबीआई और दिल्ली पुलिस से इस मामले पर एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन किया है। और मिड्डे की अगली ताज़ा खबर कांग्रेस नेता शशि थरूर को लेकर आ रही है, जहां कांग्रेस नेता शशि थरूर की शिकायत पर दिल्ली की एक अदालत ने वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि थरूर ने अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत की जाँच से संबंधित गोपनीय दस्तावेजों की चोरी का आरोप अर्नब पर लगाया है।
और मिडडे की अगली ताजा खबर आंध्र प्रदेश से आ रही है, जहां आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च कर 2 ट्रेनों को किराए पर लिया है, जिसके जरिए प्रदर्शनकारियों को दिल्ली लाया जाएगा। और मिडडे की अगली ताजा खबर मेट्रो को लेकर आ रही है, जहां यात्रियों की टिकट की झंझट को खत्म करने के लिए दिल्ली मेट्रो जल्द ही बिकिन या स्मार्ट कार्ड से आप सिर्फ अपनी उंगली पंच कर मेट्रो में सफर कर सकेंगे। और मिडडे की अगली ताजा खबर बाबा रामदेव को लेकर आ रही है, जहां योग गुरु बाबा रामदेव ने राम निर्माण मामले में भगवान राम को सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं बल्कि मुसलमानों का भी पूर्वज बताते हुए कहा है कि अगर राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कोई मक्का मदीना और वेटिकन सिटी में तो बनने वाला नहीं है। और मिडडे की अगली ताजा खबर सेना से आ रही है, जहां पाकिस्तान की नापाक हरकतों और चीन की धमकियों के बीच भारतीय सेना खुद को और बेहतर करने के लिए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स रणनीति पर काम कर रही है, और माना जा रहा है कि केंद्र की मंजूरी के बाद पंजाब के वेस्टर्न्स कमांड में इसका अभ्यास किया जाएगा। और मिडडे की अगली ताजा खबर दिल्ली हाईकोर्ट से आ रही है, जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम वीडियो जैसे ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के कामकाज को नियंत्रित करने के लिए सरकार को दिशा निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। और मिडडे की अगली ताजा खबर ऑल इंडिया भारतीय दूर संचार निगम लिमिटेड वर्कर एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर धरना दिया है। आइए देखते हैं राज कुंद्रा की ये रिपोर्ट। जियो की तुम होश पे आओ, सीनियर सिटीजन से मत टकराओ, ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से जो आज दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मुख्य मांगे हैं उनकी जो आज इन्होंने यहाँ पे आना पर हमारे साथ हैं? सर अपना नाम बताएं। मैं एस एस नंदा हूँ। मैं जो एम टी आर और बी एस एल की कमेटी है उसकी कमेटी का मेंबर हूँ, और हम यहाँ जो आज इकट्ठे हुए हैं उसमें हमारी एक डिमांड है, ऑल ओवर इंडिया में लगभग 2.5 लाख कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं उनकी एक ही डिमांड है, एक ही डिमांड पे ले चले हैं कि हमारे पेंशनर की जो पेंशन है वो 7th CPC की रिकमेंडेशन के अंडर हो, और इसके लिए ऑलरेडी हम आंदोलन पहले बहुत कर चुके हैं और ऑल ओवर इंडिया में ये स्ट्राइक चल रही है। पहले हमने पोस्ट कार्ड कंपेन चलाया, लगभग 1 लाख के करीबन पोस्ट कार्ड जो हैं प्राइम मिनिस्टर को मिल चुके हैं। मंत्री के आश्वासन के बावजूद भी कि हम लोगों की जो है डी लिंकिंग करने के लिए DOT कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है, और डीओ हमारे जो इस उम्र में इस एज के ऊपर लगभग 70-80 साल के जो आदमी हैं वो सड़कों पे आ चुके हैं, हमको सड़क ये मजबूर कर रही है सरकार। और जब मंत्री का कहना DOT में कोई नहीं मान रहा तो हम किस रास्ते में चलें? हम लोग जो बुजुर्ग हैं जो आज सड़कों पे उतरे हुए हैं, हमें अपनी घर की जिम्मेदारियाँ संभालनी है, आज हम सड़कों पे हैं तो क्या करें? हम एक किस्म का गवर्नमेंट का अंग हैं और हम डेफिनेटली चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी डिमांड को सुने, क्योंकि हम कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं जो उस पर रिमार्क्स दें क्या है, पर हम लोगों की रिजेंटमेंट इतनी है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या मैं किशन सिंह हूँ, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया रिटायर्ड BSNL एग्जीक्यूटिव वेलफेयर एसोसिएशन से, और हमने ये कमेटी बनाई है, 7 एसोसिएशन की पेंशनर एसोसिएशन की कमेटी बनाई है, उसके हम सदस्य हैं। हमारी पेंशन पिछले 2 साल से रिवाइज नहीं हो रही है जो कि हमें होनी चाहिए। हम गवर्नमेंट पेंशनर हैं, गवर्नमेंट हमें पेंशन दे रही है, हमें और कोई पेंशनर नहीं दे रहा। BSNL से हमें कोई लेना देना नहीं, BSNL में जब तक हमारी सर्विस थी तब तक हम BSNL ने पूरा पेंशन कंट्रीब्यूशन दिया है गवर्नमेंट को। हमारी पेंशन 7 CPC से 7 सेंट्रल पे कमीशन से रिवाइज होनी चाहिए, ये हमारा हक है, और गवर्नमेंट इसके लिए नहीं तैयार हो रही है। सेक्रेटरी से कई बार मिल ली है, एडिशनल सेक्रेटरी से मिल ली है, मनोज सिन्हा को हमने कितने ही रिप्रेजेंटेशन भेज दिए, PM साहब को हमने रिप्रेजेंटेशन भेज दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है इसकी। सर मैं CND क्लास से अध्यक्ष हूँ दिल्ली का, पिछले 15 साल से, मेरी उम्र 76 साल है, क्या हमारी उम्र ये लड़ने के लिए जो है रिटायर हुए थे क्या? जिंदगी के अंदर पार्लियामेंट में 2 मिनट के अंदर MP लोग अपनी पेंशन अपने जो भी फार्मूले हैं रिकमेंड कर लेते, और हम सड़कों पे पिछले 10 साल से धक्के खा रहे हैं। हमें तो यही निवेदन है मोदी जी, कम से कम इन बूढ़े आदमियों को जिसका बार बार आप वर्णन करते हैं कि सीनियर सिटीजन का ख्याल रखना चाहिए, क्या ये एज हमारी सड़कों पर चलने की है? अच्छा देखिए, मैं तो एक ऑनरी मेंबर हूँ और पिछले 20 साल से यूनियन में लगा हूँ, और मैं 79 में रन कर रहा हूँ और 80 साल में जुड़ जाऊँगा। इस हालत में देखिए, मैं सड़क के किनारे डेमोस्ट्रेशन कर रहा हूँ, क्यों? पेट के लिए। सारी दुनिया को मिल गया लेकिन हमारे MTNL के रिटायर्ड पर्सन को हमारा ना तो पे कमीशन मिला,
और ना ही हमारी वो सर पीएससी के लिए डिमांड कर रहे हैं, कुछ देने को तैयार नहीं। हर जगह हमने जाके कह लिया लेकिन सुनता नहीं। जो जनवरी 2017 से पेंशन सबको रिवाइज हुई है तो हम लोगों को भी होनी चाहिए। भाई हम लोगों ने क्या दोष किया? हम जना एमटीएन से रिटायर हुए तो इसका मतलब जना हमें क्या पेंशन नहीं मिलेगी? हमें मिलनी चाहिए ना, रिवाइज पेंशन मिलनी चाहिए। अब ये बार बार जना एमटीएन वालों के पास जाते हैं, वो कहते हैं डीओटी के पास जाओ, डीओटी वो कहते हैं मिनिस्टर के पास जाओ, जाते कहीं काम होता नहीं। तो ये थी मिड्डी की कुछ ताज़ा खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आप भी रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।